सो हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और डिफरेंशिएशन के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इसमें हम देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंने 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्व कर दिया था। तो इसका मतलब क्या कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 25 तक इस वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं बता दूं कि 11 से जितना भी क्वेश्चन है वो सब के सब किस पे है, चैन रूल के ऊपर बेस्ड है। अब अगर आपको चैन रूल अब तक समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं चैन रूल किस तरीके से अप्लाई होता है और किस तरीके से काम करता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कम टू दी पॉइंट। एंड आपको लगता होगा थोड़ा बहुत कि क्या है डिफरेंशिएशन, तो ये कुछ भी नहीं है, बस आसान भाषा में कहूँ तो डिफरेंशिएशन से आसान तो कुछ है ही नहीं कैलकुलस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो आप लोग देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट 11 क्वेश्चन हमारा जो है वो है रूट अंडर 10 2x, और इस तरीके से इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू रूट अंडर 10 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, और ये हो जाएगा डी रूट अंडर 10 2x, और बटे में क्या हो जाएगा 10 2x। मतलब कि रूट एक फंक्शन के टाइप का काम करेगा, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, जैसे कि ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 और उसके बाद में 2x और बटे में क्या होगा तो 2x, यानी d2x एक क्या है फंक्शन के जैसा काम करेगा। अब यहाँ पे फिर से 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा और x बटा में क्या हो जाएगा dx। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला कुछ सपोज कीजिए, देखिए क्या है, रूट के अंदर 10 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये x लिखा हुआ है, और किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 10 2x के। मतलब कभी भी डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना वो विद रिस्पेक्ट टू dx होता है, मतलब कि dx के रिस्पेक्ट में, मतलब dx हमारा कहाँ, लास्ट में। तो थोड़ा सा फील देने के लिए सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जैसे रूट अंडर 1/x का होता था उसी तरीके से 2 रूट अंडर क्या होगा 10 2x, ये वाला फर्स्ट स्टेप का और ये है सेकेंड स्टेप का। तो 10 2x का हो जाता है sec स्क्वायर 2x, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल 2, इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है ये 2 और ये 2 खत्म, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x अपॉन में रूट अंडर 10 2x, और इस तरीके से फाइनली आंसर हमको मिला। बट एक चैन रूल को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, तो चैन रूल को देखिएगा, गौर से देखिएगा कि क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या है 10 2x विद रिस्पेक्ट टू 10x, देखिए क्या आपको फील आ जाएगा कि कैसे dx के रिस्पेक्ट में ही हमेशा डिफरेंशिएशन होता है। देखिए क्या ये वाला कट जाएगा इस वाले आदमी से, d10 2x d10 2x, क्या ये वाला कट जाएगा d2x d2x, और बचा क्या, यही तो करना था हमको साबित, d रूट अंडर 2 10x, और यहाँ पे बटे में dx, मतलब कि इस फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में ही हमने डिफरेंशिएट किया, बट इसके अंदर क्या अप्लाई किया चैन रूल। तो आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा किस तरीके से हमें चैन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम इसी के टाइप का। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा डी रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी साइन
एक्स स्क्वायर बटे में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। अब आगे देखिए थोड़ा सा, और बस लास्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन की टाइप के काम करेगा, यानी रूट अंडर एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा वन टू रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और फिर ये वाला स्टेप हो गया, यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, और ये वाला स्टेप का डिफरेंशिएशन होता है 2x। इस तरीके से ये वाला 2 और ये 2 खत्म, बचा क्या x इंटू में कोस एक्स स्क्वायर बटे में रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, और ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कहता है, तो y इक्वल टू देता है y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x प्लस में 4, साइन स्क्वायर 3x प्लस में 4, डिफ्रेंशिएट कर रहेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी साइन स्क्वायर और 3x प्लस में 4। अब यहाँ पे आप लोग बताइए मुझे क्या लिखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि साइन और 3x प्लस 4 उसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये टोटल कितना है x। तो विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि क्या लिखेंगे हम, साइन 3x प्लस में 4 और इंटू में क्या हो जाएगा डी साइन और 3x प्लस में 4। यहाँ पे क्या होने वाला है किसके रिस्पेक्ट में, तो 3x प्लस 4 के रूप में डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 4 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ डिफरेंशिएशन। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास क्या है इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 आएगा आगे, और क्या हो जाएगा साइन और 3x प्लस 4, ये सिंपल सिंपल टाइप का डिफरेंशिएशन है। तो क्या 2 sin 3x प्लस 4 एक आदमी का हो गया, दूसरे आदमी का cos 3x प्लस 4, ये समझ में आया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 आगे आएगा और dx बटे में dx, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा d4 बटे में dx, और इस तरीके से आप लोग की ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो देखिए 2 sin, फाइनल फाइनल में हम लोग लिख रहे हैं sin 3x प्लस में 4, और उसके बाद में क्या है cos और 3x प्लस में 4, और इंटू में यहाँ पे क्या बचने वाला है केवल 3, तो 3 को आगे भेज दीजिए, और आगे भेजने के बाद में आपको देखिए तो थोड़ा सा फॉर्मेशन इस तरीके से दिया। ये दोनों क्या लग रहा है आपको, एक फॉर्मूला लग रहा है sin 2θ का। अगर फॉर्मूला लग रहा है sin 2θ का तो लगा देते हैं, 3 आगे लिखते हैं, और यहाँ से देखिए 2 इंटू मतलब कि 2 sin θ cos θ, यानी क्या हो जाएगा sin 2 into 3x plus 4। अब इसको चाहिए तो आप अंदर डाल दीजिए या फिर छोड़ भी सकते हैं, यानी 3 sin क्या हो जाएगा 6x plus 8, और इस तरीके से या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर। इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हम आंसर ला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने बना लिया, यानी 14 क्वेश्चन क्या कहता है, तो 14 कहता है sec क्यू एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दिया हमने, और डी वाई बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे इक्वल का साइन, और यहाँ पे डी सेक क्यू और एक्स बाई टू। और अब बताइए आप यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे डी सेक और एक्स बाई टू, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा डी सेक और एक्स बाई टू, और यहाँ पे फिर क्या होने वाला है डी एक्स बाई टू, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बाई टू बटे में डी एक्स। और इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन है, 3 आगे आएगा चूंकि पावर है। अब क्या है sec स्क्वायर x अपॉन में
टू, ये हो गया पहले आदमी का डिफ्रेंसिएशन। दूसरे आदमी का सेक का, तो दूसरा आदमी सेक का क्या होता है, सेक एक्स अपॉन में टू और इंटू में क्या होता है टेन एक्स बटे में दो। और उसके बाद में क्या है, देखिए एक्स 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बटा में dx, ये जो कि क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 3 sec का पावर q x बटे में 2, ये हो गया इन दोनों को गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को, और इंटू में क्या हो जाएगा tan tan और x बटे में 2 और इंटू में क्या है 1/2, और ये तो हमारा 1 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फाइनली आंसर जो लिखेंगे वो 3/2 sec q x बाई 2 और इंटू में क्या हो जाएगा tan x बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 तो हमने सॉल्व कर लिया, और अब चलते हैं 15 की तरफ। तो 15 देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, कुछ 15 इस तरीके से सॉल्व होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू साइन कोस और फिर टेन रूट अंडर एक्स और इसका ब्रैकेट बंद है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, जब कभी भी आपको फंक्शन के अंदर ढेर सारा फंक्शन दिखे तो आपको डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए चैन रूल। अब चैन रूल के लिए क्या है, लिखना पड़ेगा सभी के लिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स, और इक्वल में क्या हो जाएगा डी साइन और फिर ब्रेकेट, फिर क्या हो जाएगा कोस टेन और रूट अंडर एक्स और इसको बंद कर दीजिए ब्रेकेट के अंदर, और इस तरीके से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो कोस फिर क्या हो जाएगा टेन रूट अंडर एक्स और ये भी ब्रन, और इसके बाद में ब्रैकेट वाला जो भी टर्म है क्या है कोस फिर क्या है टेन और उसके बाद में क्या है रूट अंडर एक्स और उसके बाद में देखिए कोस के लिए ये वाला जो इतना दूर का दिख रहा है ये कैसा काम कर रहा है फंक्शन के टाइप का, यानी डी टेन रूट अंडर एक्स और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टेन रूट अंडर एक्स बटे में, यहाँ पे जो रूट अंडर एक्स दिख रहा है वो क्या ऐसा काम कर रहा है फंक्शन की जैसे, यानी डी रूट अंडर एक्स बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो अब इतना हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब आगे देखिए तो थोड़ा बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है तो कोस होता है कोस, और यहाँ पे ब्रेकेट के अंदर क्या हो जाएगा कोस फिर टेन रूट अंडर एक्स और ये बन, एक आदमी का कर दिया हमने, दूसरे आदमी का, तो दूसरा आदमी कोस है तो कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो कोस यानी माइनस में साइन और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा टेन और रूट अंडर एक्स, और इस तरीके से हमने सेकेंड आदमी का भी इंटीग्रेशन, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। इस फोर्थ स्टेप का क्या हो जाएगा तो टेन का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसके बगल में क्या लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स, तो यहाँ पे भी क्या आएगा रूट अंडर एक्स, और फाइनली लास्ट स्टेप में यानी डी रूट अंडर एक्स बटे में डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। इस तरीके से आप लोग इसको एक साथ में अगर करके लिख दीजिएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं आंसर लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, फाइनली अगर आप इसको आंसर ऐसे ही मैच कर लेते हैं तो भी मैच हो जाएगा, बट मैं आपको एक तरीका दे देता हूं कि आप मैं लिखिएगा कैसे। सबसे पहले यहां पे क्या है एल्जेब्रिक फॉर्म को कभी भी किसी भी इक्वेशन में आगे लिखिए, ठीक है। एल्जेब्रिक फॉर्म के बाद में हमने फिर किसको लिखा सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स को, फिर कौन लिख रहे हैं साइन, अब देखिए ये वाला जो माइनस है इस माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ साइन टेन और रूट अंडर एक्स, ये हो गया यहाँ तक, और उसके बाद में कोस वाला को सबसे लास्ट में डाल दीजिए कोस यानी कोस और फिर क्या हो जाएगा टेन रूट अंडर एक्स और इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और ये हमारा फाइनली लास्ट आंसर आ गया। आपको आई होप आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, और आप इसी तरीके से बनाए आपको मार्क्स भर भर के देगा एकदम टीचर। अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारे पास, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू साइन और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है कोस और फिर मंझली ब्रैकेट के अंदर यानी लिखा हुआ है टेन और फिर क्या लिखा हुआ है कोट एक्स और इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया गया है।
तो ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना लिखने के बाद में हमें काम ही करना है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए डी वाई बट्टे में डी एक्स इस तरीके से लिख लिया हमने, और डी साइन, और साइन का पूरा फंक्शन कैसा काम कर रहा है, कोस, और कोस के अंदर क्या है टेन, और टेन के अंदर क्या है कोट एक्स, और उसके बाद में ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, कुछ इस तरीके का काम करेगा। तो यहाँ पे हम जो लिखने वाले हैं वो साइन के फंक्शन के जैसा जो काम कर रहा है उसको नीचे लिखेंगे, यानी उसके रिस्पेक्ट में, यानी कौन कोस, और फिर क्या हो जाएगा टेन, और फिर क्या हो जाएगा कोट और एक्स, और फिर इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब जो इसका नीचे डोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको नोमिनेटर में डालिए, यानी कोस, और फिर क्या हो जाएगा टेन और कोट और एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और फिर बट्टा का साइन दे दीजिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे बट्टा का साइन लिखने के बाद में थोड़ा सा टेबल मिस्टेक हो रहा है, मेरे ख्याल से सही हो गया होगा, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, और यहाँ पे कोस, कोस यहाँ पे इसका मतलब कि इसके अंदर का क्या हो जाएगा टेन, और फिर क्या हो जाएगा कोट एक्स, और इस तरीके से फिर हम लोग एक स्टेप चलेंगे, तो डी टेन, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट एक्स, और इस तरीके से लास्ट में हमारे पास क्या बचा कोट एक्स, और अब भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा डी कोट एक्स बट्टे में क्या हो जाएगा डी एक्स। आपको फील आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक के बाद एक को। अब देखिए थोड़ा सा मैं सेकेंड स्टेप को, इसके बाद में स्टेप है उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका कुछ डिफरेंशिएशन साइन है, तो साइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कोस, और कोस यानी क्या कोस, कोस मंजिली ब्रैकेट के अंदर टेन, और फिर क्या हो जाएगा कोट एक्स, और कर्ली ब्रेसेस और बंद, एक आदमी हो गया। दूसरे आदमी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस है तो माइनस में साइन, और फिर क्या हो जाएगा टेन, और क्या हो जाएगा कोट एक्स, और फिर ब्रैकेट बंद, एक आदमी का हो गया। थर्ड आदमी का देखिए इंटीग्रेशन, यानी सेक, इंटीग्रेशन कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा कोट एक्स, ये वाला हो गया। अब कोट का क्या होता है इंटू में माइनस में कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स, इस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा फाइनली हो जाएगा पॉजिटिव, और सबको एक साथ में लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या है सेक स्क्वायर कोट एक्स, उसके बाद में क्या है साइन, और ब्रैकेट के अंदर टेन, और फिर क्या है कोट एक्स, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, फिर इंटू में क्या हो जाएगा कोस, और फिर क्या हो जाएगा कोस, और फिर क्या हो जाएगा टेन, और फिर क्या हो जाएगा कोट और एक्स, और इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और इस तरीके से आंसर आ गया हमारे पास। तो आपको दिख रहा होगा आंसर आई होप। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन को से लेकर के 22 क्वेश्चन तक के बीच के सॉल्व करूंगा। तो यहाँ तक चूंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला हो गया है, इस वजह से मैं यहीं पे स्किप करता हूँ। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।